पैसा लेके जा रहा था और उसको पता चला, थोड़ा डाउट हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, शायद चोर है। खैर वो निश्चिंत होके सो गया। जो चोर पीछे लगा था वो हैरान होने लगा कि ये इतना माल इस बाब होते हुए चैन से कैसे सो रहा है। खैर मेरा काम बन गया, उसका सारा सामान टटोल लिया, पैसा तो मिला नहीं। सारी रात जगा, परेशान हुआ। सुबह जब वो आदमी उठा, बोला मैं बहुत शातिर चोर हूँ, कहीं भी पैसा हो ढूंढ लेता हूँ, निकाल लेता हूँ, पर तू मेरे से भी शातिर है, तेरे पास पैसा है मुझे पता है, सच सच बता दे कहाँ रखा है। बोला तेरे तकिए में, मुझे पता था तू मेरी सारी चीज़ें टटोलेगा, अपना तकिया ही तो नहीं टटोलेगा, और मैंने वहाँ पे रख दिया सामान, और तू जाग रहा था इसलिए मेरा पैसा सुरक्षित। तू सो रहा हो तो कोई कोशिश करेगा ना तेरा सामान छेड़ने की, तू चोर है तू तो जागेगा, मेरा पैसा भी सुरक्षित और तेरे हाथ भी नहीं लगा। यही सच्चाई है जीवन की। ईश्वर कहाँ है? भीतर। खोज कहाँ है? बाहर। कोई चढ़ाइयाँ चढ़ के केदारनाथ पहुँचते हैं, कोई बद्रीनाथ पहुँचते हैं, कोई वैष्णो माता पहुँचते हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। कोई कहंदा ब्रह्मानु तू ध्या, कोई कहंदा विष्णु नु तू मना, दूरों दूरों दियाँ थावां दसियां ने, लेकिन जब मिलता है तो कहाँ? भीतर है ही नहीं, बाहर मिले कहाँ से। लेकिन सबकी तलाश जो है वो बाहर की तरफ है। देखो ना, आप अपनी श्वास को देखो, रिदम कितनी प्यारी है। सो हम, सो तो मैं हूँ और हम बाहर निकलती है श्वास, मैं बाहर जाए निश्चय है। फिर अपनी श्वास भी बता रही है अंतर्मुख हो जाओ, लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा आउटवर्ड रहते हैं। अब आपको शांति चाहिए, अपने मन में नहीं खोजते हो, कहाँ खोजते हो? बाहर। ये मेरे को शांति दे, ये मेरे को शांति दे, ये ऐसा ना करे तो शांति हो जाए। शांत स्वरूप तो तुम है। बुढ़िया की सुई गिरी घर के अंदर, ढूंढ रही है बाहर। अब 2 घंटे ढूंढे चाहे 10 घंटे ढूंढे, मिल सकती है क्या? जो भी तलाश है वो अंदर तो पूरी होगी, बाहर तलाशने से भटकन बढ़ने वाली है। यही एक रहस्य समझ आ जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। पल्ले पड़ गई, आपको जीवन का एक बड़ा सूत्र हाथ आ गया। क्योंकि जब तक आप बहिर्मुखी हैं तब तक आप दुखी हैं, जिस दिन आप अंतर्मुखी हुए उसी समय आप सुखी हुए, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है। बहिर्मुखी आदमी को दुखी होने में देर नहीं, अंतर्मुखी को सुखी होने में देर नहीं। गुरु कोई चीज़ें थोड़ी बदलता है, हालात थोड़ी बदलता है, सिर्फ एक आपकी डायरेक्शन बदलता है। आपकी डायरेक्शन बदल जाए काम बन जाता है, हमारी डायरेक्शन ही तो गलत है। सब कुछ हम बाहर टटोलने में लगे हुए हैं, इवन ज्ञान भी बाहर से टटोल रहे हैं। आजकल तो नेट का जमाना है ना, आप देखो इतना आउटवर्डनेस है स्पिरिचुअलिज्म में भी, इसको भी सुन लें, इसको भी सुन लें, इसको। एक जिसकी शरण बैठे हो वहीं सीमित होके शांति से पालो कुछ। यहाँ भी बहिर्मुखता लगता है सेल है, सारा कुछ पता हो, ये बढ़िया बोलता है, ये अच्छा बता रहा है, वो ऐसा बता रहा है ये भी बहिर्मुखता। ज्ञान बाहर से मिलना है क्या? कुछ नहीं, गुरु का काम है अंदर का स्त्रोत्र खोलना। गुरु ने क्रैम करवाना है क्या?
याद करवाना है ज्ञान आपको, ज्ञान तो आपके भीतर से फूटेगा। स्त्रोत्र खोलना गुरु का काम है, लेकिन यहाँ भी आउटवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान कहाँ चला गया? शब्दों में। ध्यान कहाँ चला गया? पॉइंट्स में, दृष्टांतों में। फिर बहिर्मुख हो लिए, फिर निकल लिए कहीं कहीं। आदत ही नहीं है ना भीतर आने की। कभी प्रेम चाहिए बाहर से, कभी ज्ञान चाहिए बाहर से, बाहर से कभी कृपा चाहिए, मेहर चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सब कुछ इंसान को बाहर से चाहिए। और ज्ञान जबकि यही है कि सब कुछ घट में, बाहर नाहीं, बाहर टोले सो भरम भुलाहीं। अभी आप इसी हॉल में बैठ के अगर आप इस हॉल को ढूंढने के लिए निकल जाओ, कहाँ से मिलेगा? रिक्शा करो, स्कूटर करो, हवाई जहाज पकड़ लो, दूर ही जाने वाले हो, क्योंकि जहाँ आप बैठे थे वही मंजिल है, निश्चय करना था। ये सत्संग है सारा का सारा। ब्रह्म स्वरूप तुम है, कभी गुरु को भगवान बोलते हो, कभी बाहर भगवान ढूंढते हो, कभी आकाश में ढूंढते हो। गुरु कह रहा है यू आर दैट, तू ही ब्रह्म स्वरूप है। अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। कुछ नहीं करना, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता में आना है। बाहर की पचार छोड़ के अपने अंदर वाले से जुड़ना है, इतना ही है। आप देखो, ब्रह्म तो एनलाइटेड है, फिर एनलाइटमेंट की बात क्यों चलती है? ब्रह्म तो अपने आप में एनलाइटेड है ना, लेकिन फिर बात चलती है एनलाइटमेंट की, क्योंकि जो है रोज रोज उसकी अनुभूति बढ़नी चाहिए। एनलाइटमेंट में आते जाते हैं। ब्रह्म तो व्यापक है, लेकिन आप फिर भी अपने को जुदा महसूस कर रहे हो। रोज रोज जुड़ने की बात चल रही है, हालांकि जुड़ना किससे? अपने आप से कोई जुड़ता नहीं है, वो तो मैं हूँ, लेकिन इतना अलग भासने लगा है कि अब जोड़ने की ज़रूरत पड़ गई है, जुड़ने की ज़रूरत पड़ गई है। अब इस लेक्चर की ज़रूरत पड़ गई है, अपने से जुड़ो, स्वयं से जुड़ो, स्वयं को जानो, जबकि तुम पहले से ही वही हो, लेकिन फिर भी बात चल रही है। जागो, जागृत आत्मा को जागने की प्रेरणा दी जा रही है। बोध स्वरूप को बोध प्राप्त करने की प्रेरणा दी जा रही है, क्योंकि जड़ बुद्धि का संग, जड़ मन का संग, जड़ शरीर का संग, इसने क्या किया? इंसान को जड़ कर दिया, अपना चेतन धर्म भूल गया, अपना जागृत धर्म भूल गया, जड़ता ही जड़ता रह गई है। इसीलिए तो देखो, व्यवहार में भी पता नहीं चलता, जड़ता इतनी ज़्यादा है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ मेरे को सुनने का है, समझने का है, सब जड़ता हो चुकी है, पता ही नहीं। क्योंकि कुछ बोलना चाहिए इसलिए हम भी बोलते हैं, क्योंकि बीच में टपकना चाहिए, पार्टिसिपेट करना है, मैं ही पुष्ट करनी है ना हर समय, बिना विचारे कर्म जड़ हो गए ना। चेतन आत्मा अपने को जड़ बना बैठा है, सो उसको बार बार चेतन होने को कहा जा रहा है। बात तो ये, कहे हेमा नित प्रापत आत्म, आत्म प्रतीत आया। जो नित्य प्राप्त आत्मा है, अब उसकी प्राप्ति नहीं, प्रतीति की बात है। बस प्राप्त तो है, आपके गले में चेन है, पेंडेंट पीछे चला गया, प्राप्त तो है, पर प्रतीति ना होने के कारण गुम हो गया, गुम हो गया, गुम हो गया, ये वाला शोर है।
प्रतीति करवा दी जाए, मन पीछे से आगे कर दिया जाए। अब आपका शोर खत्म। सबके पास एक शोर है, भगवान को लेके भी एक शोर है। उधर से बोलते हैं उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तुम कैसे चल रहे हो फिर? वही तो है इसका मतलब। उधर से बोलते हैं घट घट व्यापक है, फिर क्या तेरे घट में नहीं है? यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन फिर सारा चक्कर क्या है? विचार नहीं है, जागृति नहीं है, इसीलिए ढूंढने चल देते हैं। शायद यहाँ मिल जाए, शायद वहाँ मिल जाए। मिलेगा तो स्वयं में मिलेगा, वरना कहीं नहीं मिलेगा। रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सी साधनाएं की देवी माँ को पाने के लिए, बहुत रोए, बहुत परेशान हुए, अनेक साधनाएं। जब इंसान को तलाश होती है तो करता ही है, मैं किए कर्म अनेका, हार पड़े हो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्धि विवेक का। ये विवेक गुरु देता है, वरना इंसान तलाशता है और बहुत मार्ग अपनाता है। ऐसी बात नहीं कि हम लोग इस मार्ग पर हैं, आप जाके देखो लोग बहुत बहुत यत्न कर रहे हैं, तलब सच्ची है विचारों की, लेकिन कोई बताने वाला नहीं। मेहनत तो कर ही रहे हैं, कोई कैसे लगे हैं सब। रामकृष्ण परमहंस भी लगे थे। एक दिन पूजा करते करते जो हार देवी माँ को पहनाना था वो अपने गले में डाल बैठे, खिलाना था जो भोग प्रसाद देवी माँ को वो खुद खा गए। सब लोगों को लगा शायद पागल हो गए, भाई ये ऐसे कोई करता है क्या? लेकिन उनकी उस दिन मंजिल मिली, बोला मेरी काली माँ हटी तो काली माँ मेरे अंदर से ही प्रकट हो गई। जान लिया उन्होंने मैं नहीं हूं, तू ही तो है। मैं नहीं वो आप ही है, आप करे दिल जोई। मैं नहीं हूं वो आप ही है। जिस दिन ये अनुभव भीतर से खुला उस दिन उनका शोर खत्म हुआ। जब तक ये जानते थे वो अलग है, मेरे को ढूंढना है, मेरे को मिलना है, मेरे को पाना है, तब तक उनके अंदर शोर था, अशांति थी, हलचल थी, लेकिन अंतर्मुख हुए, सुखी हो गए। इतना ही ज्ञान है। ना कृष्ण बाहर हैं, ना अर्जुन बाहर है, दोनों ही बाहर नहीं है। अपना ही मन अर्जुन है, अपना ही विवेक कृष्ण है, अपने अज्ञान का छेदन अपने ही अंदर का ज्ञान करता है। चाहे आप यहाँ से विचार ले भी जाओ, लेकिन जब जरूरत पड़ती है आपका अपना अज्ञान आपके ज्ञान द्वारा काटा जाता है। चाहे आप उसको विवेक कह लो, चाहे आप कह लो गुरु अंदर बैठ गया आके, सच तो ये है आप अपने अंदर वाले अर्जुन को भी जान रहे हो और कृष्ण के उस अर्जुन के अज्ञान की निवृत्ति भी कर रहे हो। अलग तो है ही नहीं, आप ही तो हो। मन में क्या बात उठी, मन में क्या प्रश्न उठा, मन में क्या संशय उठा, आप जानते हो, फिर आप उसको निवृत्त भी करते हो। बोध भी तो आप ही देते हो ना। मन कभी कभी जड़ता की बात भी करता है, लेकिन जागृत पुरुष बोध द्वारा फिर अपने मन को वापिस भी लेके आता है। तो कहाँ हुआ कृष्ण, गुरु कहाँ हुआ? भीतर। स्वामी साहब ने बोला बोध अंदर जो दिए उपदेश,
सही सुजानिज सो दरवेश। दरवेश गुरु को बोलते हैं, पीर को बोलते हैं। वो कहते हैं पीर भी बाहर नहीं, पैगंबर भी बाहर नहीं, बोध अंदर जो दिए उपदेश, जो अंदर उपदेश दे रहा है। सही सुजानिज सो दरवेश, सही पहचान दरवेश वही है असली। असली दरवेश वो जो बाहर से तेरे भीतर आ जाए। गुरु भी बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर गुरु भी बाहर रहता है तो आप कभी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। बाहर वाले गुरु को आपके भीतर प्रकट हो जाना चाहिए और भीतर बैठ के बार बार बोध देना चाहिए, तभी स्थिति बनती है, तभी जागृति होती है, वरना जागृति कैसे होएगी। ये जो आदत पड़ी है ना बाहर ढूंढने की, सबसे पहले इसको खत्म करो। सत्संग में आके भी फिर एक बाहर मुक्ता रह जाती है। अच्छा जाएंगे, बात करेंगे, अच्छा गुरु को बताएंगे। अभी अपने अज्ञान को अगर आप काट सकते हो अंदर, कल तक के लिए क्यों रख रहे हो। आप विचार करो, विवेचन करो, मनन करो, मंथन करो, आपको अपना जवाब अपने भीतर से मिलेगा। रमन में ऋषि की बात आती है, उन्होंने अरुणाचल पर्वत को गुरु माना था और वो जो बात पूछते थे उनको अरुणाचल पर्वत से जवाब मिलता था, ऐसी मान्यता थी। लेकिन सच क्या है? सच ये है प्रश्न भी उनका उत्तर भी उनका। अरुणाचल पर्वत तो बोलता नहीं पर एक मान्यता बन गई। अपने अंदर का ज्ञान अरुणाचल पर्वत के माध्यम से फूटता था। ज्ञान अपने भीतर का है। आप कभी अनुभव किया हो, गुरु आ गया सपने में, आपने बात की, उन्होंने आपको ज्ञान समझाया, गुरु तो है नहीं। अज्ञान भी आपका, ज्ञान भी आपका, ज्ञान स्वरूप तो हो ना। सूक्ष्म में जो ज्ञान है वही प्रकट होता है। गुरु तो है नहीं उस समय, वो अपने घर में सो रहा है, लेकिन आपके अंदर आके जवाब दे के जा रहा है, ज्ञान सुना के जा रहा है। कैसे हो रहा है ये? आपकी हलचल शांत हुई, भीतर का ज्ञान प्रकट हुआ। जागृत में आप हलचल में हैं, आपको भीतर का ज्ञान समझ में आता नहीं है। अज्ञान के अधीन सोच विचार सब चलता रहता है। अब कईयों को तो सपने भी वही आते हैं, पर अगर अंदर भक्ति हो, गुरु भक्ति हो, गुरु आ जाता है स्वप्न में। गुरु माना क्या? वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। वाणी गुरु है, गुरु वाणी है, वाणी गुरु रूप है। आपके भीतर जो ज्ञान प्रकट होता है, ऐसे लगता है गुरु ने कहा, पर वो आप ही का ज्ञान। क्योंकि देखना, ज्ञान वही होगा जो आपको आता होगा, नया नहीं होगा। पिक्चर आई थी बीच में उसकी, महात्मा गांधी को वो अनुभव करता था, मुन्ना भाई वो अनुभव करता था महात्मा गांधी को कि वो आते हैं, जवाब देते हैं, पर जो उसको पता नहीं था जब वो पूछा गया, फंस गया ना वहां पर। तो महात्मा गांधी थे क्या? नहीं थे ना। जो उसका ही ज्ञान था भीतर पड़ा हुआ, वो गांधी जी के रूप में उसको लगता था प्रकट हो रहा। आस्था जहाँ हो गई, श्रद्धा जहाँ हो गई, मेन बात तो ये हो जाती है
और अपने अभिमान को गवाए रखने के लिए ऐसी आस्था से अपने को बांधे रखना, यह भी फायदे का सौदा, बुरा नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन इससे भी ऊपर एक बात समझने वाली जो है वो ये कि आपके भीतर जो ये चलता है, आपी का ज्ञान, आपी का अज्ञान, अर्जुन आपका मन है, कृष्ण आपो मन, अगर अविवेक है तो विवेक आप हो, मन अगर भूला हुआ है तो बोध आप ही हो। ये सब आपके अपनी शक्ति है, गुरु स्मृति देता है आपको, आपके ही स्वरूप की स्मृति देता है, कुछ और नहीं। और जब तक आप अपने ऐसे अलौकिक दिव्य स्वरूप को जान नहीं रहे हो, तब तक आप विकारों के अधीन हो। कभी हम सोचते हैं विकार नहीं जा रहे, हम ये करें, हम वो करें, कई लोग लिख के देते हैं हमको पनिश करिए, उससे कुछ होने का नहीं, जड़ता ही बढ़नी है, बैरमुखता ही बढ़नी है। आप बार बार विवेचन करो अपने स्वरूप का, ध्यान करो अपने सत्स्वरूप का, बार बार याद करो हु एम आई, मैं कौन हूं। जब तक आप अपने स्वरूप का विवेचन नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। स्वरूप का विवेचन करो, मन भी उठा, अच्छा किसने जाना, मन में उबाल उठा, क्रोध उठा, अगर आप अलग हो, देखने वाले हो, वश करने में कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी, मन का उबाल खत्म करने में कितनी देर लगेगी। सिर्फ साक्षी भाव में आओ, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कितना काम आसक्त पुरुष हो, उसकी वृत्ति भटका दो एक बार वहां से, इतना ही बोल दो, अरे तेरे बिस्तर में तो सांप है, वहीं का वहीं उसकी सारी काम वासना खत्म हो जाएगी, वहीं की वहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी, वहीं की वहीं उसकी सारी उलझन खत्म हो जाएगी, है ना। सिर्फ एक बदलाव काफी है, इतना सा बदलाव। तो विकार कैसा भी हो, अगर वृत्ति अंतर्मुख हो जाए, अगर हम आ जाएं अपने स्वरूप में, कितनी देर लगेगी उस चंगुल से बाहर आने में, ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। लेकिन वक्त क्यों लग जाता है, हम गुलाम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने स्वरूप की स्मृति नहीं होती। आपने बात सुनी होगी, आजकल ये जो योग करवाते हैं और सब, ये चला है सब, जैसे रामदेव जी, ये लोग एक बात बोलते हैं, समस्या अंदर है तो समाधान भी अंदर है। सुनिए ना बात, समाधान भीतर है, रोग भीतर है तो निवारण भी भीतर है, इलाज भी भीतर है। चलना सिखाते हैं भाई, रोग कहाँ से आ रहा है, रोग आपके गलत खान पान से, आपके लाइफस्टाइल से आ रहा है। अब वो इलाज किससे करते हैं, खान पान ठीक करते हैं, लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, आपके रोग का निवारण हो जाता है। भाई दवाइयों पर आश्रित मत रहो, अपने डॉक्टर बनो, इलाज करो। जब इस तन की भी ये स्थिति है, जब इस शरीर की ये स्थिति है कि इसका रोग अंदर है तो इसका निदान भी अंदर है, और सच भी है। कोई दवाइयां खाता रहे, परहेज ना करे, लाइफस्टाइल ठीक ना करे तो क्या होगा उसका, दवाई के बाद भी बीमारी बढ़ती है। कई लोग कहते हैं दवाई तो चल रही थी, रोग फिर भी बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, कोई चूक तुमसे ही हुई है, वहीं से बढ़ा। वरना ये शरीर की प्रकृति भी ऐसी है, रोग भी भीतर, समाधान भी भीतर,
मन का भी ऐसा ही है। स्पिरिचुअलिज्म भी यही कहता है, विकार अंदर है तो निर्विकार आत्मा का बोध भी तो अंदर से ही है, बाहर से कहां है? अज्ञान क्या है? दादाजी कहते हैं अज्ञान की परिभाषा क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट अंधेरे की परिभाषा है, एब्सेंस ऑफ ज्ञान अज्ञान की परिभाषा है। अज्ञान कुछ नहीं, सिर्फ एब्सेंस ऑफ ज्ञान, अपनी जागृति का अभाव, जागरूकता का अभाव, यही अज्ञान है और कोई अज्ञान है ही नहीं। जहां अंधेरा है वहां प्रकाश कर दिया जाए, अंधेरा खत्म हो जाएगा। जहां अज्ञान है वहां ज्ञान का आश्रय कर लिया जाए, झगड़ा खत्म हो जाएगा सारा। इतना सा ही है। अपने भीतर के अज्ञान को अपने भीतर के ज्ञान से जीता जाता है, अपने अंदर की आसुरी संपदा को अपने अंदर की दैवी संपदा से जीता जाता है। फिर गुरु का काम क्या है? आपकी उन सोई हुई शक्तियों को जगाना, आपको एहसास करवाना कि तू सत्स्वरूप है, तू निर्विकार है, मन इतना बड़ा नहीं है कि तुझ आत्मा पे चढ़ाई कर दे, तू इतना शक्तिशाली है, मन को वश कर सकता है, बुद्धि को वश कर सकता है, इंद्रियों को वश कर सकता है, तू इतना शक्तिशाली है। गुरु का काम है आपके भीतर सुषुप्त शक्ति को जागृत करना। गुरु ज्ञान नहीं देता, बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना, गुरु ज्ञान देता है, गुरु बोध देता है। ज्ञान स्वरूप तो हर एक पहले से, ज्ञान क्या देंगे किसी को? ज्ञान देने की कोशिश ही बहुत बड़ा अज्ञान है कि हम किसी को ज्ञान देते हैं। ज्ञान कैसे दे सकते हैं? सिर्फ उसको याद दिलाना है कि तू ज्ञान स्वरूप है, तू बोध स्वरूप है। सिर्फ उसकी शक्ति को जगाने में मदद करनी है। जिस दिन वो जाग गया, काम तो भीतर अपने आप होगा उसका, हम कुछ कर ही नहीं सकते। कोई अपने पे कृपा ना करे, हम कहाँ कुछ कर पाते हैं? हम बहुत सारा ज्ञान सुना रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अगला अपने ऊपर कृपा करने को तैयार ही नहीं है, ना मनन ना विचार कुछ नहीं। थोड़ी देर मुंह बना लेगा, उसके बाद अपना नॉर्मल नेचुरल। अब ऐसे व्यक्ति का हम कई साल बिठा के भी कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब हम ज्ञान नहीं दे सकते किसी को। जिस दिन अगले को भीतर से जागना होएगा, काम तो उसका उस दिन बनेगा, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। वो इधर बैठेगा, आंजी आंजी करेगा, यहां से जाएगा, फिर वही अपने काम में, क्रोध में, संसार में, व्यवहार में, फिर वही उलझ जाएगा जाके, फिर उसके अंदर वही जगत चक्कर काटता रहेगा। इसने ये किया, उसने वो किया, फिर वो ये करेगा, फिर वो करेगा, फिर हे भगवान इसका क्या होगा, वो उसके अंदर अपना ही जगत चक्कर मार रहा। जब अगले ने अपने पर कृपा ही नहीं की, हम क्या कर लेंगे? हमारा काम क्या है? उसको उकसाना कि अपने पे कृपा कर ले, उसको उकसाना कि ये दुख तेरे स्वभाव में नहीं है, तूने व्यर्थ में लिया हुआ है मोल। उकसाई तो सकते हैं, उसके बाद तो अगला जाग जाएगा, अंदर से काम बन जाएगा, नहीं जागेगा कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। ये सब तो भीतर की बात है, बाहर का कुछ है ही नहीं। बाहर टोले सो भ्रम भुलाई, जो बाहर ढूंढने निकला वो भ्रमित हो गया, जिसने पाया भीतर से पाया। ये सौदा अंदर का है, बाहर का सौदा है ही नहीं। बाहर का होता तो दे दे के सबको जल्दी पूरा कर देते काम, भीतर का सौदा, और तुम्हारे बिना ये सौदा हो ही नहीं सकता, हम कर ही नहीं सकते। ये तुम्हारे घर का सौदा आपस में ही करना पड़ेगा, बाहर से थोड़ी होगा। दो भाइयों का बंटवारा है, आपस में ही करना पड़ेगा।
तीसरा कोई बैठ भी जाए समझा सकता है, बंटवारा तो आपस में करेंगे। तो ये अंदर का सौदा तुम आप ही करोगे, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम बीच में आ भी जाएं समझा सकते हैं खाली, फिर भी करना तुमको है, भीतर से ही करना। बाहर की कोई चीज़ है ही नहीं, बाहर से देने की चीज़ हो वे जल्दी दे दें। ऐसे करने से टीवी से कृपा आ सकती है, ऐसे नहीं आ सकती। कर भी लें ऐसे, चलो हम बैठे हैं ऐसे करके, लो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। वो टीवी से दिखा देंगे लाइट आ रही है, यहां से तो लाइट भी नहीं दिखेगी। यहां से तब कैच होगा जब यहां कुछ होगा, अभ्यास चल रहा है, प्रयास चल रहा है। हाँ, माध्यम बन सकता है, अचानक फील हो सकता है कि कृपा का हाथ आया मेरी तरफ। वो भी हुआ सब सौदा अंदर से, श्रद्धा समर्पण कर देगी, अहंकार समर्पित हो जाएगा, पर होने वाला सौदा भीतर से है, ये बाहर से होने वाला नहीं है। अभी गाड़ी आपकी है तो ब्रेक भी आपकी है। ऐसा हो सकता है गाड़ी आप चलाओ, ब्रेक हम अपनी गाड़ी में लगा दें, इम्पॉसिबल है ना। तो क्या है, संयम भी आपका है, संयम भी आपका है। कोई विकार उठ रहा है उसको वश करना भी आपको ही है। हम प्रेरणा दे सकते हैं, पुरुषार्थ आप ही करोगे, भगवान सहयोग देंगे अर्जुन को। चलो ठीक है, साथ आ गए, सहयोगी बन गए उसके, बैठ गए उसके पास, लेकिन फिर भी ये नहीं कहेंगे कि ला तीर भी मैं चला देता हूँ। अर्जुन तेरी लड़ाई तू लड़ेगा, खुद डाउन होके बैठ गए, अपनी सीट कर ली नीचे, मैं बीच में हूँ ही नहीं, भिड़ो आपस में, बताता मैं जाऊँगा, भिड़ेगा तू। ये जो आपके भीतर की लड़ाई है, गुरु नहीं लड़ेगा, आप लड़ोगे, आप जागृत बनोगे, आप पुरुषार्थी बनोगे, काम तब बनेगा। हर पल खुद सुजाग रहना बात ये, उसके लिए संतों ने कई तरह से रमज दे दी। कभी बोला जप श्वासों की माला पे नाम, कभी बोला हर श्वास में जो स्वयं का जाप चल रहा है उस पे ध्यान दे। मतलब क्या है, हर पल की एकाग्रता, एकाग्रता माना थिर मन, थिर मन माना ब्रह्म की स्थिति। उपाय बता दिए गए कि कहीं एक जगह एकाग्र हो जाओ, श्वासों में एकाग्र होने को कह दिया कि स्वयं माना बार बार स्वरूप की स्मृति भी होगी, एकाग्रता भी बनेगी, काम बन जाएगा। लेकिन फिर भी सोम सोम बोलेंगे, ये अभी इंद्रिय अध्यास है, इंद्रिय का विषय रह गया, सुनो इंद्रिय का विषय रह गया। जिस दिन ये बाहर की सब इंद्रियां ओम सोम बोलते हुए अंतर्मुख हो जाती हैं आत्मा में तद्रूप, अनुभव तो उस दिन खुलता है। अभी तो बोलने का सुनने का सिलसिला चला पड़ा है, अभी बोध वाली बात नहीं हुई। बोध पैदा ही वहां होता है जब ये इंद्रियां भी अविषय समझ के हट जाएं यहां से। पहले बराबर हम लोग इंद्रियों को भी लगाते हैं, इंद्रियों को इनके रसों से छुड़ाने के लिए भगवत रस में लेके आना पड़ता है, लगाते हैं इंद्रियां, आँख लगाते हैं दर्शन में, कान लगाते हैं सुनने में, जीवा लगाते हैं सुमरन में, बराबर लगाते हैं। पर चलते चलते जब देखने वाला दृष्टा दर्शन दृश्य एक हो जाते हैं, जिसका दर्शन कर रहा हूँ वो अलग नहीं, मैं अलग नहीं, बीच में क्रिया कोई रह नहीं गई, देखने वाले एक हो गया, तू मैं हो गया, मैं तू हो गया, दुई वाला पर्दा खत्म हो गया। पहले बाहर देखने की प्यास थी, फिर भीतर देखने की प्यास थी, फिर मैं ही मर गया, वही वही रह गया।
आंख का धर्म खत्म हुआ है, इसका आविषय अब विण आंखें देखना, अब मुझे आंख नहीं चाहिए उसको देखने के लिए, अब आंख की जरूरत नहीं, बिना आंख के भी दिखता है, शरीर में है तो दिखता है, अगर वो शरीर से लीला समेट लेता है तो भी दिखता है, एहसास में रहता ही रहता है, अब आंख नहीं चाहिए। जब तक आंख दर्शन करती थी व्याकुलता थी, फिर मन में बस आया तो एक पल भूलने में भी व्याकुल होता था, एक क्षण भी हम भूले क्यों, उनसे हटे क्यों, दूर क्यों हुए, मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहे, मुझे एहसास में क्यों नहीं आ रहे, आज मेरी वृत्ति क्यों भंग हुई पड़ी है, बड़ी हलचल होती थी। एक समय ऐसा आ जाता है देखने वाला ही मर गया, वही वही रह गया, रांझा रांझा कहंदे नी मैं आप ही रांझण हुई, आखो नी मैनू दीदो रांझा हीर ना आखो कोई। कान सुनने के लिए बेताब रहते थे, अभी बिना कानों के सुनता है, सुनता ही वही है और कोई सुनता ही नहीं, कोई भी मुख बोले कोई भी बात करे सुनता वही है, बिना कानों के भी सुनता है, आंख बंद करके बैठो कान बंद करके बैठो तो भी सुनता है, और स्थिति यही है, आंख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले, स्थिति यही है, बात ही यही है। एक समय मुख नाम लेता है नाम जपता है, फिर वो नाम इतना बस जाता है वो आपे ही चलता रहता है, नाम लेना ही नहीं पड़ता, नई नई एंगेजमेंट होती है तो नाम ले लेके सबको बताते हो ये नाम है उनका ये नाम है, पीछे तो शादी हो गई कोई निकनेम डाल लिया, खुद बुलाना हो तो उस नाम से, वरना बुलाने की ज़रूरत नहीं, हिंदुस्तानी औरतें वैसे ही नाम नहीं लेती पति का, ये सही काम चल जाता है, इशारा इतना सा इशारा बस काम चल जाता है उसी से, पूरा नाम तो फॉर्मल में लिया जाता है फॉर्मेलिटी में लिया जाता है, वरना निकनेम से काम चलता है या इनसे उनसे भी काम चलता है ये से भी काम चलता है, उतना ही हो जाता है। और भगवान एक स्टेप और आगे, हम बचें तो हम बोलें, खत्म हुई बात, गीता में बोला मन का विषय बुद्धि का अविषय इंद्रियों का अविषय, आप देखो चलते चलते आपको ये सब सिद्ध करना है, एक तो है कि ब्रह्म सिद्ध है चलो अविषय है शास्त्रों ने कहा, लेकिन अभ्यास करते करते मुझे भी तो अविषय एहसास होना चाहिए ना, गीता में तो लिख दिया मन का अविषय बुद्धि का अविषय इंद्रियों का अविषय, अब हम तुम्हें समझाएंगे तो हम भी बोल देंगे मन का अविषय मन से चिंतन नहीं कर सकते, बुद्धि का अविषय बुद्धि के तर्क उसको सिद्ध नहीं कर सकते, इंद्रियों का अविषय वे किसी इंद्रिय की पहुंच में नहीं है ब्रह्म, शास्त्रीय व्याख्या ये है, अनुभव की व्याख्या ये नहीं है, अनुभव की व्याख्या ये कहती है मन उसमें लगाया पहले बराबर लगाया जोर शोर से लगाया, मन को सब तरफ से हटा के उसमें लगाया, उसके बाद जब वही वही रह गया मन का धर्म भासता नहीं, अभी मन का विषय हो गया, मन के पास जब और कोई विषय वैसे नहीं बचे और मन उसी में समाहित हो गया, मन का विषय, मन का अविषय यूं भी है कि वो ब्रह्म को चिंतन में ला नहीं सकता, मन का अविषय यूं भी है ब्रह्म में तद्रूप होते ही मन के पास कोई विषय बचा ही नहीं, अब झगड़ा खत्म सारा का सारा, शोर खत्म हो गया, तो फर्क है दो बातों में, हम शास्त्र की भाषा समझ के और सोच लेते हैं बस हमको इतना ही समझना था, हमको इतना नहीं समझना है, हमारा अनुभव खुलना चाहिए उस बात पर, और अनुभव यही है कि जब आप भीतर से अपने से जुड़ते हो तब आपको पता चलता है ना मैं तन ही रहा
ना मैं मन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। अब ये झगड़े नहीं बचे, अब ये आवाजें नहीं बची, अब ये शोर नहीं बचे। पा लिया जो था के पाना, काम क्या बाकी रहा, अब कोई काम बाकी नहीं। लेकिन जब तक पाया नहीं तब तक काम बहुत है, भले पाना नहीं है फिर भी पाना है, ऐसे पाना भी नहीं है, प्राप्त है फिर भी पाना है, क्योंकि प्राप्त होते हुए भी आपको प्रतीति तो नहीं है। आप किस भाव में, अपने से पूछ के देखो, कौन सी भावना में रहते हो? देह की भावना में रहते हो? कली चला देह अध्यास देव अध्यास, तुम अपने से पूछो पूरे दिन में तुम देव अध्यास में कितनी देर थे? कहीं गए, कहीं बैठे, कहीं खाया, कहीं पिया, पूरा मन उसी में लिप्त, पूरे लिपाए मन फील किया, ये जीभ को स्वाद आ रहा है मुझे नहीं, मैं तो देखने वाला, फील किया, ये मिथ्या प्रपंच सारा, क्या महसूस हुआ? देव अध्यास में थे कितनी देर? और गुरु खींच के ज्ञान की तरफ ले भी आए, कभी कभी कोई खड़ा होता है, ज्ञान की बात करता है, पूछता है, वो पास खड़े व्यक्ति का दिमाग और विषयों में ही चलता है। इतनी गहरी बात अगला सुन रहा है, समझ रहा है, ये नहीं सोचेंगे अपने से कि हमारे लिए तो कभी ऐसी गहरी बात हुई नहीं, हमने तो कभी खड़े खड़े गुरु से बोध लेने की कोशिश की नहीं, आखिर ये कैसा उत्तम जिज्ञासु है? पर दिमाग कहाँ चलेगा, कोई ना कोई सांसारिक बात में, इसका पति, इसका बेटा, तेरा की जो चल रहा है बात उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, समझ लो, तुम्हारे भी काम की हो सकती है। शायद एक संभला हुआ व्यक्ति और संभलने की कोशिश में, और तुम लापरवाह के भंडार, और फिर भी संभलने की कोशिश में नहीं, फिर भी किसी ना किसी विषय में मन लगा हुआ, कहीं ना कहीं संसार में मन भटक रहा है। आया देव अध्यास कहाँ आया? पहला सेंटेंस था सत्संग का, उसी का ही मनन पूरे दिन नहीं था। विचार कर लो, कितनी बार विचार किया, कितनी देर तुम उस एहसास में जागा, ये भीतर से होगा ना, बाहर से तो हो नहीं सकता, अंदर से जागना पड़ेगा। जिसको जागना है उसको अंदर से जागना है, बाहर से कुछ भी नहीं हो सकता। देखो, आप बाहर से कुछ अपनाते हो फिर गवाते भी तो, बाहर से बनता है बाहर से बिगड़ता है, बाहर से प्राप्त होता है बाहर से छूटता है। आज आप बाहर से सतोगुण अपना लो, दैवी गुण अपना लो, फिर चार दिन नहीं पड़ते आसुरी गुण भी तो आ जाते हैं। करते हैं ना कोशिश कई लोग, बाहर की कोशिश चल रही है, भीतर की कोशिश हो ही नहीं रही। जब तक तू देव स्वरूप नहीं हुआ, दैविक गुण कहां से जाहिर हो जाएगा? उधारे दैवी गुण उठा लेते हैं, फिर चार दिन नहीं बीतते, चार बातें इकट्ठी होती हैं, फिर वो अंदर का असुर जाग खड़ा होता है। कैसे आ गया वो? भाई तुझे दैवी गुण नहीं उठाने थे, देव स्वरूप होना था, वो दैवीय गुण उजागर होते तेरे अंदर से, तुझे एहसास होता। सतगुरु पूर्ण देव मिले फिर दूजा देव मनावा क्यों? क्या मतलब है इसका? सतगुरु पूर्ण देव मिले उनको भीतर से प्रकट करो, भीतर से मनाना, कोई वो रूठे रहते हैं सारा दिन मनाते रहोगे, मनाना माना, भीतर उनको प्रकट करो, तुम खुद देव स्वरूप हो जाओ, तुम्हारे आसपास आसुरी संपदा फटकेगी नहीं। उधारी दैवी संपदा उठा लेते हैं फिर वो चार दिन बाद आसुरी संपदा आ जाती, यही किससे चलते रहते हैं। कभी तो इतना मीठा बोल हो जाएगा, कभी अति कड़वा हो जाएगा, क्योंकि तुम बाहर से धारण कर रहे हो, बाहर का आवरण आखिर उतर जाता है। कितना सुंदर स्टॉल मर्जी पहना हो गिर गिर जाता है, मजबूरी है उस बेचारे की भी, लुढ़क जाता है वो, जरा सा मिलते हैं लुढ़क जाता है वो,
तुम बाहर से धारण करते हो पीताम्बर भगवान का, शाम देखा तुम्हारा पीताम्बर सावन की घटा, रंग तो सारे हैं उसमें नो डाउट, पर तुम जब तक कृष्ण नहीं हुए संभालना नहीं आएगा। चक्कर ये है, पीताम्बर संभालना सबके बस की बात है, कृष्ण हुए बिना पीताम्बर नहीं संभाल पाओगे। मुरली बजाना सबके बस की बात है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए बिना वो कला आ ही नहीं सकती, वो मुरली के स्वर भीतर से निकल ही नहीं सकते। तुम सोच रहे हो ना ये मुरली बज रही है ले मैं भी बजा लूं, दिस इज माय मास्टर्स वॉइस, मुरली से पूछो, वो कहती है दिस इज माय मास्टर्स वॉइस, मेरी आवाज नहीं है, बजाने वाले की कला है। बजाने वाले की कला ना हम सारे बांसुरियां बजा ले, कला तो बजाने वाले की है। अब जब तक तुम कृष्णमय नहीं होगे, चाहे उठा लो बांसुरी चाहे उठा लो पीताम्बर, थक जाओगे, थोड़ी देर में ही थकने वाले। बाहर की चीजों को उठा लेने से बात थोड़ी बनती है। उस दिन बोला ना वो आदमी शॉल ले आया, हमको देखा उसने सर्दी में उड़ते हुए, शॉल ले आया। बाहर की नकल तो सब जल्दी करते हैं, हम भी कड़ा पहन लें, हम भी चेन पहन लें, हम भी ऐसा कर लें, हम भी शॉल ले आए, ले आया पहन के सत्संग में सज बैठा। जब तक सत्संग खत्म हुआ शॉल ऐसे करके यहाँ दबाए बैठा था। मैंने कहा ये क्या हुआ, शॉल कहाँ गई? वो आप पता नहीं कैसे पहनते हैं, हम नकल तो कर ली फटाफट, ले भी आया पश्मीना का इतना महंगा शॉल ले आया, अमीर था पैसा था, ले आया पश्मीना का शॉल बढ़िया। अब वो अपने आप गिरता भी नहीं है, ये जो दूसरी होती है ना सिंथेटिक शॉल वो गिरती है बार बार, पश्मीना गिरता भी नहीं है जल्दी से। ले आए भी तो सही ना पहनना, झगड़ा तो वहां पर है। जब आया नहीं पहनना तो शॉल भी है कुर्ता भी बनवाया है, सत्संग में भी सज बैठा पहन के, लेकिन इतना दुखी हो गया फिर उसको यहां दबा बैठा, मतलब शॉल साइड में भी नहीं, टांग के नीचे ही दबा मारी, तब गुस्सा आ गया उसको कि ये शॉल कभी इधर से गिरती है कभी इधर से गिरती है। चक्कर तो ये है, ये गलती हम हर जगह करते हैं। कभी हम वाणी कॉपी करते हैं, कभी हम हरकतें कॉपी करते हैं, कुछ कॉपी मत करो, जो वो है ना उनके ध्यान में वो हो जाओ, गुण प्रकट हो जाए। भगवान अगर गीता में दैवीय गुण आसुरी गुण सब बता रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे अर्जुन को तू ऐसे उठा ले इनको धारण कर ले, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि तेरी जब स्थिति होएगी ज्ञान में ये लक्षणा हो जाएगी, ये देहाध्यासी की लक्षणा या आत्माकार की लक्षणा तुम पहचान सको दोनों पहलुओं से। देहाध्यासी की लक्षणा बता दी आसुरी गुण, तुम्हें पता लग गया ये कर्ता भाव भोक्ता भाव विषय विकार, अच्छा अच्छा ये सब देहाध्यास था। अब पता चल गया देवी गुण क्या होते हैं, दैवी गुण माना आत्माकार के लक्षण, जो आत्माकार के जीवन में सतो गुण ज्यादातर प्रकाशित रहता है प्रकट रहता है उसका गुण क्या है। उन्होंने ये नहीं कहा उठाओ इसको जबरदस्ती धारण करो, ऊपर से उठोगे उतर भी जाएगा, कभी तो उतरेगा। अब गोल्ड की पॉलिश तो उतरती नहीं, आर्टिफिशियल रिंग ले आओ, आज नहीं कल उसकी पॉलिश तो उतरेगी, कालक निकलेगी अंदर से, बहुत अच्छी ले लोगे ज़्यादा दिन चल जाएगी। भाई ये 6 महीने की बेंटेक्स वाले गारंटी दे देते हैं, 6 महीने बाद क्या, नकली तो नकली है ना। तुम बहुत कोशिश करते हो बन के चलने की, बन के मत चलो ना, मिट के चलो, बन के मत चलो, तुम फिर बन के चलते हो। मैं देखो किसी को कुछ नहीं कहता फिर बन गया ना कुछ, तू है कहाँ जो तू कहेगा या नहीं कहेगा, और जब तक तू है फिर हमारा जवाब भी फर्क है। अब कल किसी ने बोला मैं कुछ नहीं कहता मेरे को फिर फलाने ने ये कहा फलाने ने ये कहा, मैंने कहा अभी अंगुली माल के पत्थर इकट्ठे कर ले, अंगुली माल को पत्थर पड़े ना, जिस गांव में उंगलियां काटी थी बाद में जब गया वहां पत्थर पड़े, अब ये पश्चात आपके पत्थर थे, लेकिन वो भड़का नहीं,
अब तुम अगर मिटने की मंजिल पर हो, मिटने की कागार पर हो, फिर गिनो मत, क्योंकि तो तुमसे भी हुई हैं भूलें। अब एक समय तुम शेर हो के दहाड़े, आज तुम बिल्ली हो जाओगे अगर, तो कुत्ते भी फायदा तो उठाएंगे, थोड़ी देर तो उठाएंगे, लेकिन उसको पश्चाताप समझो अपना, और वहां से भी विक्षेपता नहीं आनी चाहिए, ये समझो बात। अब तुम्हें मिटने का अभ्यास करना पड़ेगा ना, क्यों फर्क पड़ रहा है? अच्छा तुम कह रहे हो मैंने स्वभाव छोड़ा, जब तुमने छोड़ दिया स्वभाव, कोई बात नहीं, फिर क्या दिक्कत है? नॉनवेज खाना हमने छोड़ दिया, दुनिया में बनना बंद थोड़ी हो जाएगा, चलने दो, खाएं साथ वाला भी बैठ के खाए, मेरा मन नहीं जाना चाहिए अगर सचमुच छूटा है, और बार बार उसकी थाली में ही ध्यान जा रहा है, अब ये लेग पीस खा रहा है, अब ये पता नहीं क्या क्या होता है वो खा रहा है, अब लार टपक रही है, तो तुमने भी खाना नहीं छोड़ा, तुम काम क्रोध से हट गए ना, अब भले कोई काम क्रोध में वर्ते, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? अब कई जेंट्स के साथ भी आती है ये दिक्कत, पहले घर में शेर होते हैं, अब सत्संग सुन के नम्रता में आते हैं, कहते हैं अब तो बीवी भी बोलती है आगे, कोई बात नहीं, बोलने दो, अभी तुम पश्चाताप करो, कर्म काटो अपने, बनाए हैं बड़े सारे, ठंडे रहो, जब समय आएगा फिर हम तुम्हें फुंकारना भी सिखाएंगे, पर एक बार तो सांप ने भी डसना छोड़ा, पत्थर तो मार गए ना गांव वाले, कोई बात नहीं, फिर गुरु फुंकारना भी बताएगा, जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, जब तुम्हारी स्थिति होती है ना सच में, क्योंकि अभी तो सबको ये लगेगा तुम ढोंग कर रहे हो, इसका 4 दिन का काम है, 5वें दिन इसने फिर वही क्रोध करना है, फिर इसने ऐसी बात करनी है, अभी कोई एतबार भी नहीं रखेगा कि तुम बदल रहे हो, तुम्हें अपने विश्वास से और गुरु के विश्वास से बदलना पड़ेगा, ये भी याद रखना, तुम अगर ये चाहोगे ना, तुम आज बदल गए हो, बस अभी अभी दुनिया वाले देखें अभी ये बदल गया है, अभी ये ऐसा हो गया, गलतफहमी में मत रहना, सालों लगेंगे किसी को समझने में, गुरु समझेगा और तुम समझ रहे हो, बस इसी विश्वास पे और बदलते आओ, बदल बदल बदल, जब बिल्कुल बदल जाओगे तब दुनिया देखेगी, ऐसे नहीं, अभी तुम तकड़ वो भी नहीं कर सकते हो, मेहनत करो अभी, चेंज योर सेल्फ, और चेंज कैसे लाना है, अपने स्वरूप का ध्यान करते हुए, अपने देव का ध्यान करते हुए, कुछ नहीं समझ आता, अपने सतगुरु के ध्यान में उनका रूप मेल्ट हो जाओ, उनका ध्यान करते करते वही हो जाओ, ये लक्षण अपने आप आएंगे, तू ना रहे, अभी झगड़ा क्या है, तुम है, तुम्हें फिर एहसास होने लगता है, फिर याद आ जाता है, फिर वो अंदर वाला ना जागने लगता, मैं बताऊं इसने ऐसे बोल दिया, मैं बताऊं, नहीं बताऊं, नहीं बताना, दांत से दांत भींच के 10 नाखूनों का जोर लगा के राम जी समाधि में बैठ जाओ, बुला दो उसका शब्द, टिका दो वृत्ति ओम में, जागने की कोशिश करो, सोचो ये मिथ्या, सोचो ये पश्चाताप, कुछ भी विचार करो, लेकिन दम लगाओ, और उसके बाद फिर देव के ध्यान में देव स्वरूप हो जाओ, बात भूल जाएगी, खाली ओटने से बात नहीं बनती, ओट लोगे कल गिर जाएगा, फायदा होने का ही नहीं, मैं 4 दिन अच्छा चलता हूं, क्या हो जाता है 5वें दिन, 4 दिन तुम अच्छे नहीं चले, तुमने अच्छाई ओढ़ी थी, 5वें दिन तंग आके उतार दी वो लोई, नहीं संभाली गई, प्रॉब्लम ये है, अच्छाई अंदर से आ जाए, बाहर वाली अच्छाई काम नहीं करेगी, अंदर से आ जाए, अंदर से अच्छे हो जाओ सचमुच, तब है बात, आम मीठा है ना, चारों तरफ से चूस लो मीठा है, ऐसा नहीं है एक तरफ से खट्टा एक तरफ से मीठा, प्रकृति नहीं है ये वाली, प्रकृति ने एक चीज बनाई, इमली खट्टी वो मीठी नहीं है, आम मीठा
वो खटान नहीं है, एक चीज है, पूरी एक चीज है सिवाय इंसान के। ये पता नहीं एक मिनट में, ऐसे एक मिनट में कहां से मीठा, कहां से कड़वा, कहां से खट्टा, पता ही नहीं लगता। सांप से ज्यादा घुमाव है तुम्हारे अंदर, तुम सीधे हो जाओ। अंदर सारा दिन तुम किस ध्यान में रहते हो? देव अध्यास, कल मैंने बहुत अनुभव से बोली है बात, ये देव अध्यास बड़ी अच्छी स्थिति है। गुरुदेव का ध्यान करते 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 हम उन्हीं को फील करने लगते हैं और गुम हो जाते हैं। वही मेरा आत्मदेव है, वही मेरा सत्स्वरूप है। सतगुरु मिंजो आहे आत्म, कौन है सतगुरु मेरा? पर मैं उसके भाव में जीऊं भी तो सही ना, तो फिर अपनी मैं में आ जाता हूं। वो जिए तेरे अंदर से, तू उनको जी, तू उनको फील कर, वो जिए तेरे अंदर। जैसे गर्भवती स्त्री को ध्यान है ना, मेरे अंदर कोई बच्चा जी रहा, उठती ध्यान से, बैठती ध्यान से, चलती, जियो, तेरे अंदर जी रहा है गुरु, ध्यान कर, जी रहे हैं वो मेरे अंदर, जी रहे हैं। मेरे काम से, मेरे क्रोध से वहां तकलीफ पहुंचेगी, जानती है ना स्त्री, मेरी गलत खाने से, मेरी गलत हरकत से, मेरे गलत विचार से मेरे बच्चे को कष्ट पहुंचने ही वाला। तेरे अंदर तेरा भगवान ऐसे जिए कि तुझे हर पल ध्यान रहे, वो जी रहा है मेरे अंदर, उसको तकलीफ पहुंचेगी, उसको पीड़ा पहुंचेगी, उसको कष्ट पहुंचेगा, संभाल संभाल चलो। रेमन संभल संभल पग धरिए, ये अंतर साधना है। बाहर से इन चीजों का कोई लेन देन ही नहीं। जितनी बातें हम बता रहे हैं, अगर आप बाहर से ओट भी लोगे, थोड़े दिन बाद आप इनसे खाली हुए बैठे हो, यूज नहीं। उधार से कोई कितने दिन अपना घर चलाएगा? आखिर एक अपनी इनकम चाहिए होती है ना, चाहे वो रेंटल इनकम हो, चाहे वो जॉब से हो, चाहे वो बिजनेस से हो, इनकम आपको अपनी चाहिए होती है। उधार से घर कितने दिन चले? उधारा ज्ञान, ओटा ज्ञान, कितने दिन ये तुम्हें फायदा देगा? तुम्हें वो स्वरूप में जागना पड़ेगा अंदर से। ये लक्षणा तब आने वाली है, ये लक्षण धारण करने से नहीं आते। अभी तुम बाइक चलाते हो तो कोई नकल करके बाइक पे चढ़ भी बैठे, स्टैंड ही नहीं उतार पाएगा, पता लगे अपने पैर पे गिरा के अपनी हड्डी तोड़ बैठा। सब कुछ चाहिए ना, अंदर से कला चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, ताकत भी चाहिए। कोई बाइक इतनी भारी होती है, कमजोर आदमी बैलेंस ही नहीं कर पाता। अंदर की ताकत, अंदर का भाव, अंदर की जागृति काम करेंगे। कृष्ण ने 16 कलाएं ओढ़ी नहीं थी, कलाएं विकसित हुई, 16 तो लिखनी दी शास्त्रों ने, पर सर्व कला संपन्न हो जाता है ज्ञानी जब अपने को सर्व समर्थ आत्मा निश्चय करता है, अनुभव करता है, सर्व कला संपन्न हो जाता है। जब अंदर से ही पूर्णता का अनुभव होता है, बाहर अपने आप पूर्णता हो जाती है। ये अधूरापन देह अध्यास है। तुम देह अध्यास में जी रहे हो और देव अध्यास की लक्षणा को कॉपी करना चाह रहे हो, यहीं से मार खा रहे हो। देव अध्यास में आओ, देह अध्यास तुम्हें छोड़ जाएगा। जीते हो देह अध्यास में, फिर कह रहे हो वो लक्षण क्यों नहीं आ रहा जो देव अध्यास का है, ऐसे कैसे आ जाएगा? जो अपने को इंद्रिय महसूस कर रहा है, वो इंद्रिय तीत आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो इंद्रिय सुख भास रहे हैं। वो क्या जाने इंद्रिय तीत रस क्या होता है, उसके लिए तो शब्द है, और तो इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता ना। इंद्रिय अध्यास से ऊपर उठे,
इंद्रिय रस से ऊपर उठे तो उसको पता चले अति इंद्रिय आनंद किस बला का नाम है। इंद्रिय अध्यास में रहने वाला अति इंद्रिय आनंद की बात कर रहा है, तो ये तो वही हो गया, सुन गलना आकाश दी कीटा आईरिस, लेकिन कोई फायदा तो होगा नहीं। कुत्ता मीनार का मालिक नहीं बन सकता, गंदी कर सकता है बस खड़े होके, जब नहीं पा सकता चाहे BMW खड़ी हो कोई खड़ी हो गंदी कर जाता है, वो पा नहीं सका तो गंदी कर गया, औकात ही नहीं। बल्कि जब तुम औकात नहीं धारण करोगे तुम ज्ञान को गुरु को भी बदनाम करोगे, ध्यान रखना, गंदा कर सकते हो सिर्फ, लेकिन उस सच को अंदर से प्रकट करो। कपड़ा सफेद है, सफेदी नहीं प्रकट करनी, मैल हटानी है। तुम भी जानो अपने को, ये सौदा भीतर से होने वाला है, बाहर से जो मर्जी ओट लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब कोई सिर पे मटकी रख ले गोपी हो गई, हाथ में खड़ताल ले लिया मीरा हो गई, इतना सरल होता तो झगड़ा ही कोई नहीं था। कोई गुरुजी की तरह साड़ी पहन के बैठ जाए तखत पे चढ़ के, हो गया वो इम्पॉसिबल, एक लक्षण भी नहीं आने वाला, क्योंकि उसका सारा ध्यान ही नकल में है, उनमें ध्यान नहीं है। देखो बड़ा फर्क होता है, उनमें ध्यान हमारी मैं गुम करता है, उनकी बारी बातों में ध्यान हमारी मैं को पुष्ट करता है। वो ऐसा करते हैं मैं भी ऐसा करूं, वो ऐसा करते हैं हमारी मैं पुष्ट हो रही है, और जब उनमें ध्यान लग जाता है हमारी मैं गलने लगती है, हमारा अहंकार गलने लगता है। तो ये सौदा भीतर से होता है, ध्यान रखना। आई बात समझ में?